नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद एके। दोस्तों, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की साधना अत्यंत फलदायी होती है। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ विधि विधान से भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देव की साधना आराधना करने पर सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ देने से सूर्य देव अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूज्य ऋषि मुनि ने सूर्य की साधना आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। पूज्य ऋषियों के अनुसार भगवान सूर्य ज्ञान रूपी ईश्वर है, जिनके दर्शन हमें प्रत्येक सुबह होते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों में सूर्य की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र भी बताया गया है। सूर्य शक्ति के प्रतीक हैं, विजय के वरदान हैं। यही कारण है कि न सिर्फ उनकी साधना आम आदमी बल्कि सनातन काल से देवी देवताओं तक ने भी की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सूर्य की प्रतिदिन साधना आराधना करते थे, क्योंकि वे सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि जब भगवान रावण ने युद्ध कर रहे थे और बार बार उसका सिर कटने के बाद जुड़ जाता था, तो वे कुछ निराश से होने लगे थे। ऐसे में उन्हें स्मरण कराया गया कि वे सूर्यवंशी है और सूर्य की उपासना करने पर शत्रुओं का विजय का वरदान मिलता है। इसके बाद उन्होंने सूर्य देव का ध्यान करके लंका के राजा रावण का वध किया और अगस्त्य ऋषि द्वारा अत्यंत चमत्कारी श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सिर्फ भगवान राम ने ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने भी सूर्य की विशेष रूप से साधना की थी। मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग से परेशान होकर श्याम जब हताश होकर शोक में डूब गए थे, तो उन्हें सूर्य देव की साधना का महा उपाय बताया गया, जिसके बाद कृष्ण पुत्र श्याम ने ओडिशा के मित्र वन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क मंदिर में 12 वर्ष तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न करके आरोग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ और उनका शरीर पहले जैसा सुंदर और कांतिवान हो गया था। अब सूर्य देव का आशीर्वाद कैसे मिले? तो भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए सूर्य देव से पहले उठे और स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें रोली अक्षत और लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र और विशेष रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं एक इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय के साथ दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।